कुछ साल पहले अच्छा भला नौकरी करता था, कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में हॉर्स राइडिंग में घोड़े से गिरा, घुटना टूटा। दैट टाइम आई वाज इन कीनिया, और लोग कहते हैं लोग बाहर जाते हैं कुछ कमाने के लिए, मैं बाहर गया था रेकी लेने के लिए। रेकी लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे वहाँ इंट्रोड्यूस हुई, तब जाना समझा। वापिस आया जब इंडिया तो मैं क्रॉच लेके चलता था, मैं ठीक से चल नहीं सकता था। बहुत से हॉस्पिटल्स में दिखाया, ऑल इंडिया मेडिकल भी, सबने मना कर दिया कि साहब जिंदगी भर क्रॉच लेके चलना पड़ेगा, कभी ये नहीं हो सकता। और बस उसके बाद से फिर रेकी हीलिंग मॉडलिटी पर खूब डट के काम किया, पहले अपने आप को सुधारा, फिर सोचा कि अगर मेरे साथ हो सकता है तो भाई दुनिया में बहुत तो होता है, सबके साथ हो सकता है। तो फिर एक इसको प्रोजेक्ट को लेकर चले, और आप लगभग 13-14 सालों में बहुत सारी चीज़ों पे काम किया, पेशेंट्स पे सब पे। पिछले कुछ सालों में, लगभग 6-7 सालों में, साइकिक सर्जरी एक सब्जेक्ट ऐसा था जो बार बार मुझे हिट करता था कि ये क्या है, कैसा है। जनरली आप इससे भी बहुत लोग जानते हैं, बहुत से रेकी मास्टर्स रेकी सिखाते हैं ऑल ओवर इंडिया, दुनिया में सिखा रहे हैं, लेकिन साइकिक सर्जरी कोई करके नहीं दिखाता, बताते सब हैं कैसे होती है। कुछ साल पहले मैंने भी ऐसे ही सोचा, मैंने कहा नहीं, होती है तो होके रहेगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। मैंने फर्स्ट सर्जरी अपनी ही मदर की थी, नी रिप्लेस किया उनका, लगभग 7-8 साल पहले। और उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के अगर ये हो सकता है तो भी बहुत कुछ हो सकता है। और पिछले 7-8 सालों में मैं बहुत लोगों की सर्जरी कर चुका हूँ। आज आप लोग उनमें से एक्चुअल में क्या था, हमें अंदाजा नहीं था कि भाई ये इतनी बड़ी बात हो सकती है, तो हम ज्यादा लोगों के वीडियो नहीं बना पाए। तब कुछ है हमारे पास एविडेंस जो हम आज आपके साथ शेयर भी करेंगे, और मेरी कोशिश है कि उनमें से कुछ लोगों को शायद मैं आपको कल मिलवा भी पाऊँ। हमने उनको कल मिलवाया है, हम आपको लाइव उनसे मिलवाएंगे भी कि जिनकी सर्जरी कुछ साल पहले हुई थी और आज वो कैसा महसूस करते हैं। और कल आज के सेशन में हम साइकिक सर्जरी तक पहुंचने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सबके कैसे काम करना है, उन सबको समझेंगे। और कल हम दो तरह की सर्जरी करेंगे, एक करेंगे एस्ट्रल सर्जरी, प्रैक्टिकल करेंगे कल, एंड दूसरी साइकिक सर्जरी। अभी तक जो मेरी रेकी थर्ड की क्लासेस होती हैं उनमें साइकिक सर्जरी मैं ही करता हूँ, ठीक है, लेकिन कल सिर्फ मैं नहीं करूँगा, आप में से कौन कौन लोग करना चाहेगा? ये वही ना बात, मतलब कल यहाँ से बहुत सारे सर्जन निकलने वाले हैं। ग्रेट, सो कल हम सब भी, लेकिन फिर पेशेंट भी तो चाहिए, तो अब हम में से पेशेंट कौन कौन है ये बताओ। एक राइट, दो, आपको क्या है? मेरे कान में छेद हो रहा है। हो रहा है, छेद तो होता ही सबके। नहीं, पत्ते के अंदर। अच्छा, चलो आपको सर स्पीड डिफेक्ट और स्टेमिना। ओके, और इधर भी हाथ उठा था कोई? मैं। अच्छा, तो ये क्या हो गया? यहां फैट लाइकोमा है, सब ट्राई कर लिया, रेकी कर ली और कई मॉडलिटीज लगा ली, पर वो जो एक बना हुआ शिवलिंग की तरह वो मास अंदर नहीं हो रहा। डॉक्टर सही कि एक्चुअल वो जो वो डॉक्टर लोग करते हैं फैट लाइकोमा के लिए सर्जरी करेंगे। मैंने सोचा यहां कट लगवाऊं, फिर टांके लगवाऊं, फिर थोड़ा टाइम सबको थोड़ी सी भूख लग रही है, नाश्ता आपका इंतजार कर रहा है, तो पहले नाश्ता करते हैं फिर आगे। थैंक यू सो मच, आइए।